नमस्ते। तो आज हम एक कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है, क्या सोच रहे हो इस वक्त। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा, व्यूअर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड कर दिया होगा। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है इस वक्त आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है, क्या सोच रहे हैं। गवर्नमेंट की एनर्जी यहाँ पर रही है। क्वीन ऑफ सोर्स, ये जो महिला है जो इस इंसान को कंट्रोल कर रही है, किसी के साथ ऐसा रिजल्ट करेगा कि आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा गंभीरता से आपको लेकर सोच रहे हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसी महिला हो सकती है जो इस इंसान को डिस्टर्ब कर रही है, जो ये इंसान आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। हो सकता है कि इस इंसान को डिस्टर्ब कर रही हो और आपके पर्सन बड़े शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि जो कुछ भी है उनके ऊपर बीत रही है वो आज आपसे दूर है, अकेले पड़ गए हैं, वहाँ पर इस इंसान को कंट्रोल किया जा रहा है। किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन चाहते कि मिलजुल के ये रिश्ता आगे लेकर जाए। किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है कि आपका या आपके पर्सन का जो स्वभाव है गुस्से वाला हो सकता है, ठीक है। डेफिनेटली जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि इस इंसान को आपके लिए अट्रैक्शन तो है, वैसे ही जिस तरह से आप इस इंसान के इंतज़ार में हो, ये इंसान भी आपके इंतज़ार में है। यहाँ पर दो दो क्वीन आई है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एक तरफ यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ ज़्यादा ही केयर कर रहे हो इस इंसान की, ओके। ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। आपकी पर्सन न्यू आइडियाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आप एनर्जी हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, वो मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो किसी के थ्रू आपको रीच आउट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपसे बात करने के लिए किसी अपने दोस्त का सहारा ले। आपके पर्सन की हालत कुछ ऐसी हुई है कि एक तरफ तो इंसान अकेला रहना चाहता है लेकिन रह भी नहीं पा रहा है, एक तरफ चाहता है कि खुद ही कोई ना कोई ऐसा जरिया ढूंढे कि वो आपसे बात कर पाए, लेकिन ऐसा उनको लगता है कि वो बात कर नहीं पाएंगे आपसे। उनको किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो भी वो बातें क्लियर करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है, अब ये ज़रूर नहीं कि ये सच है, उनको ऐसा लगता है कि आप गुस्सा करोगे, आप नाराज़ हो जाओगे, वो जो कुछ भी आपसे बात क्लियर करने की कोशिश करोगे तो आप उनको गलत समझोगे। इस इंसान को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस इंसान ने आपकी वैल्यू को समझा ही नहीं। जब आपका महत्व समझना ज़रूरी था, जब आपसे बात करनी ज़रूरी थी, तब इस इंसान ने आपको इग्नोर कर दिया, तब इस इंसान ने आपसे दूरियाँ बना ली। अब इतना सारा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। वो आपकी तारीफ भी कर रहे हैं, किसी ऐसे फ्रेंड के पास वो आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा कीमती हो उनके लिए, आपका होना उनके लिए क्या है। जिस तरह से आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भी उनको मैनिफेस्ट करें। आपके पर्सन इस रिश्ते में अपना टाइम, अपने इमोशंस इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। किसी किसी के लिए आपके पर्सन थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा हाल है कि उनका गुस्सा शांत हो रहा है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन अपने अंतर्मन की आवाज़ सुन रहे हैं। वो अब किसी भी ऐसी व्यक्ति के बातों में नहीं आना चाहते जो आप दोनों के बीच में झगड़े लगाए या आप दोनों के बीच में दूरियाँ बढ़ाएं। वो किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है उसको दूर करे, ना कि वो ऐसी किसी महिला की बात सुनना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में झगड़े लगाए। और इस इंसान की नज़रों में आप बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन हो। दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं इस वक्त आप दोनों की सेम फीलिंग क्या है। दोनों की सेम फीलिंग है सिक्स ऑफ सोर्स के नज़र यहाँ पर आई है। दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। दोनों भी आज जिस भी सिचुएशन में हो, आप दोनों भी एक दूसरे की तरफ जाना चाहते हो और
कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी आपको भूलने की, या आपने भी बहुत कोशिश की होगी, लेकिन इसमें आप दोनों कामयाब नहीं हुए हो। दोनों भी एक दूसरे से दूर बहुत उदास हो, नाराज़ हो, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो। आपके लिए गाइडेंस है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होता। हो सकता है आप बहुत भोले हो, किसी पर भी ट्रस्ट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में ही यहाँ पर कोई ऐसी महिला हो सकती है जो बहुत ही ज़्यादा जेलस है, ऐसी महिला पर ट्रस्ट कर रहे हो या उसकी बातों में आ रहे हो, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी पर्सन बात तो करना चाहते हैं आपसे, ग्रैटिट्यूड भी सेंड कर रहे हैं वो आपके लिए। चेंज ज़रूर चेंज आएगा यहाँ पर, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जा सकता है। आपको अलर्ट होना है, सामने वाले की जो इंटेंशन है, उसके जो इरादे हैं, उसको समझना है, जो जेलस है आपके ऊपर, जो कभी नहीं चाहेगी कि आपका अच्छा हो, और उसने कोशिशें भी बहुत की हैं, हमेशा ही उसने आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी है, और ये आगे भी हो सकता है, तूफान जैसे कि आ रहा है। जिस तरह से आप एनर्जी है, झगड़े हो सकते हैं आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में, झगड़े हो सकते हैं, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पर जैसी एनर्जी आई है, हो सकता है कि जैसे आपके भोलेपन की सज़ा मिल रही है आपको, जो आप लोगों पर विश्वास कर देते हो, जो आप लोगों को अपना जैसा समझ लेते हो कि आपने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई आपका बुरा नहीं करेगा, लेकिन यही बात आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आँख बंद करके आपको विश्वास नहीं करना है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऐसे ही हो सकते हैं कि आपके भोलेपन की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में आज प्रॉब्लम है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है कि झगड़े हो सकते हैं, टेंशन हो सकती है, कोई जेलसी के आड़ में आकर आपको हर्ट करना, ये सब कुछ हो सकता है आपके साथ। तो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है आपको, कोई एक मास्क लगाकर भी आपके सामने आ सकता है, आपके सामने बहुत ही ज़्यादा डिसेंट बनने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं करना है जो हमेशा ही जेलसी में आकर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, ओके? और ज़्यादातर ये ऐसी एनर्जी कि कोई महिला है जो बिल्कुल नहीं चाहती कि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बने, वो चाहती है हमेशा आपकी ज़िंदगी से कुछ बुरा हो, आप परेशान हो जाए, यही उसका मकसद है। आपको ना परेशान होना है, ना उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं रीडिंग में, तब तक के लिए।